कृष्ण जिसे अनेक नामों से जाना जाता है और जिसे विष्णु का अवतार भी कहा जाता है, जिन्होंने जेल में जन्म लिया और बाल्य जीवन गोकुल और वृंदावन में व्यतीत किया। अपने अधर्मी मामा कंस का वध करके धर्म की स्थापना की, जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि पर गीता का उद्देश्य दिया और धर्म के साथ खड़े पांडवों को विजय दिलाई। आज भारत में श्री कृष्ण सबसे ज्यादा लोकप्रिय भगवान जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका नगरी बसाई थी, मगर क्या द्वारका नगरी का अस्तित्व वाकई में था? अगर द्वारका नगरी थी तो क्यों जलमग्न हो गई? तो आज हम इस वीडियो में इसी बात को जानेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। द्वारका एक ऐसा प्राचीन और धार्मिक शहर है जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह पूरी नगरी जलमग्न हो गई? समुद्र की गहराई में इसके अवशेष मौजूद है। मथुरा से निकलने के बाद श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो विशाल और सुसंगत था। इस नगर का नाम था द्वारिका नगरी, लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद एक खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई। रिसर्च की खुदाई में मिली जानकारी के मुताबिक द्वारका की कहानी 9000 साल पुरानी है। ये प्राचीन शहर उस प्राचीन सभ्यता से जुड़ा है जिसका निर्माण जब यहाँ कोई दूसरी इतनी विकसित सभ्यता नहीं थी। ये भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था, जो हूबहू आज के आधुनिक शहर जैसा था। पौराणिक समय की ऐसी कई कहानियाँ हैं जिसे आज हम एक मिथ मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि धरती के विकास के साथ ही ये सभ्यता और पौराणिक इतिहास हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में दफन हो गया है, जिसे लेकर आज भी खोज जारी है। समुद्र के गर्भ में खोज करते कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इन पौराणिक कहानियों को सच करते हैं। इनमें से एक है द्वारका नगरी का रहस्य। 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी के अवशेषों की खुदाई डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर शुरू की। इस खुदाई में शुरुआती तौर पर कुछ बर्तन मिले जो वैज्ञानिक जांच से पता चला कि ये करीब 3000 साल पुराने हैं। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की एक मरीन आर्कियोलॉजिकल यूनिट ने देश के मशहूर पुरातत्वविद डॉक्टर एसआर राव के नेतृत्व में 1979 में दोबारा खुदाई का काम शुरू किया। यहाँ फिर से कुछ प्राचीन बर्तन मिले जिन्हें लस्टर रेडवेयर के नाम से जाना जाता है। इससे उत्साहित होकर अरब सागर में तात्कालिक प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद गहनता से खुदाई का काम शुरू किया गया। एक बार फिर से ऐसे सबूत मिले जो बताते थे कि समुद्र के तल में कोई बेहद उन्नत सभ्यता के चिन्ह छिपे हुए हैं। इसके बाद 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी के स्टूडेंट्स ने खंभात की खाड़ी में बढ़ते हुए प्रदूषण पर काम शुरू किया। ये अलग बात है कि प्रदूषण की जाँच करते हुए इन स्टूडेंट्स को मिट्टी और बालू में छने हुए पत्थरों से बनी हुई इमारतों के दीदार हुए। ये इमारतों के अवशेष 5 मील तक फैले हुए थे। इसके साथ ही गोताखोरों को कलाकृतियां, इमारतों के तरह से हुए स्तंभ, तांबे और कांसे के सिक्के मिले। बड़े तौर पर इन्हें 3500 साल पुराना माना गया। सही उम्र का पता लगाने के लिए कुछ नमूनों को मणिपुर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया। वहाँ कार्बन डेटिंग तकनीक से पता चला कि कुछ नमूने 9000 साल पुराने हैं। इस तरह श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के सबूत पूरी दुनिया के सामने आ सके। खंभात में जो अवशेष मिले वो 7500 ईसा पूर्व के थे, यानी अब तक घोषित किसी भी प्राचीन सभ्यता से कहीं पुरानी सभ्यता के थे। दक्षिण गुजरात के समुद्र में 130 फीट की गहराई में शोधार्थियों को मिली नगर संरचना विलुप्त हो चुकी भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी का एक हिस्सा है। यह नगर संरचना 9000 साल पुरानी द्वारका नगरी का है। रिसर्च टीम की अगुवाई में गोताखोरों समुद्र में 800 फीट तक गए। उन्होंने इस प्राचीन नगर को देखा। रिसर्च टीम का कहना है कि द्वारिका एक बड़ा राज्य था। खंभात और कच्छ की खाड़ी नहीं थी, यहाँ पर जमीन थी। मौजूदा द्वारिका से लेकर सूरत तक पूरे समुद्र क्षेत्र में एक दीवार देखने को मिलती है। यह कृष्ण का राज्य था। सूरत के पास मिली इस रचना द्वारिका से मिलती है। नर्मदा नदी के मुख्य स्थल से 40 किलोमीटर दूर और तापी नदी के मुख्य स्थल के पास अरब सागर के उत्तर और पश्चिम में प्राचीन नगर के अवशेष मिले थे।
तब 130 फीट की गहराई में 5 मील लंबे और 2 मील चौड़ाई वाला 9000 साल पुराना नगर मिला था। मरीन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2 सालों में 1000 नमूने खोजे, जिनमें से 250 पुरातन महत्व के अहमियत रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इस प्राचीन नगरी को कुस्तलिया नाम से उस समय जाना जाता था। अनेक दरवाजों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों तरफ कई लंबी दीवारें थी, जिनमें कई दरवाजे थे। ये दीवारें आज भी समुद्र की गहराई में है। बताया जाता है कि कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 सालों तक राज किया। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण के विदा लेते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। भला ऐसा समृद्ध नगर समुद्र में कैसे डूब गया, इसके कई मत है। पहला मत, कहा जाता है कि दो श्राप के कारण ये द्वारका नष्ट हो गई। दूसरा मत, 9000 साल पहले हिमयुग खत्म होने के कारण समुद्र की सपाटी बढ़ी, जिस वजह से ये नगर समुद्र में लीन हो गया। तीसरा मत, माना जाता है कि एलियंस ने इस नगर को नष्ट कर दिया। कोई नहीं जानता है कि उस समय क्या हुआ था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।